फर्स्ट क्वेश्चन है सर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एडिशनल एग्जाम फिल करने हैं दा वीडियो बना दियो। अच्छा, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला लिखा इस तरह यूनिवर्सिटी जरूर लिखो। हाँ, मैं बना देना है, थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग पई है, फॉर्म दी पई है, बाकी इन्फॉर्मेशन है, सो मैं जल्दी पा देना हाँ। सर प्लीज़ चैक डेट शीट, मेरे ख्याल क्लैश ली है, ये भी देख लेना हाँ। सर मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के हिस्टरी दे बेस से SST सबजैक्ट लिया होया है, मैं BEd करन दे बाद BA पोलीटिकल साइंस एडिशनल पेपर दे सकता हाँ? बिल्कुल दे सकते हो, तुसी BA BEd करन दे नाल नाल भी BA दा पोलीटिकल साइंस दा दे सकते हो। यूनिवर्सिटी प्रोविजन इस तरह दिंदी है, क्लैश तो थोड़ा बचन की जरूरत होंगी है। सर स्कॉलरशिप दे फॉर्म बारे हाँ ये देखदा हाँ, भी याद कराते रहना पैना है, हजे मैं फॉर्म फिलिंग दे एडिशनल द्वारे होया हाँ। सर मैं स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है ना, वो लास्ट डेट मेरे ख्याल 30 नवंबर है ना, फॉर्म चल रहे हैं अपने, आपां नूं सिर्फ BEd वाले नूं एक्सटेंशन थोड़ी मिली हुई है। BEd विच मेरा कंबीनेशन हिस्ट्री पंजाबी बनिया होया, दसो गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल हाँ कि नहीं? जे तुसीं हिस्ट्री MA करते हो, नंबर एक हिस्ट्री दी MA कीती हुई है, फिर तुसी PGT लई एलिजिबल हो। जेकर तुसी पंजाबी इलैक्टिव पढ़ी हुई है, इत्थे इलैक्टिव लिख लगा हाँ इलैक्टिव, फिर तुसी पंजाबी TGT लई एलिजिबल हो। जे तुसी MA पंजाबी भी कीती हुई है, फिर तुसी PGT लई एलिजिबल हो, है ना? मतलब ये तुसी गवर्नमेंट जॉब लई पक्का एलिजिबल हो। सर BEd SEM 1 एग्जाम कदों होणगे, केड़ी यूनिवर्सिटी दे? तुसी यूनिवर्सिटी नहीं दसदे, सारिया दे ही? अच्छा जी, NDU, शाबाश, गुड। मनप्रीत सिंह जी, ये होंगे दिसंबर जनवरी विच। मैनू बहुत टेंशन है सर, प्लीज़ रिप्लाई। क्वेश्चन की है तुहाडा? जे पिछे सी मैं 2-3 दिन थोड़ा इत्थे नहीं कर सकिया, कुछ तुहानू जवाब नहीं दे सकिया, मैनू हुण मिस पता नहीं लगेगा। सर प्लीज़ डेट शीट चैक करके दस दो कि इलैक्टिव इंग्लिश का पेपर क्लैश नहीं होएगा। यूनिवर्सिटी नहीं दसी, तुसी यूनिवर्सिटी भी दसो। सर मैं मेजर सब्जेक्ट साइंस नाल BEd विच दाखला लिया है, साइंस ना बिल्कुल ठीक है। मैं माइनर सब्जेक्ट पंजाबी लेना चाहुंदा हाँ, कॉलेज वाले कहिंदे हन कि अजिहा करना सारे सब्जेक्ट पंजाबी मीडियम विच पढ़ने पैणगे। कदे नहीं, ऐसे नहीं हुंदा, बिल्कुल नहीं। कौन कहिंदा है? तुसी पंजाबी मीडियम च नहीं पढ़ने पैंदे, तो तुसी ए जी मतलब साइंस जो है वो इंग्लिश दियो, और पंजाबी दा पेपर तो पंजाबी च ही होना, लैंग्वेज दा पेपर हमेशा लैंग्वेज हुंदा है, बाकी जिहड़ा मर्जी मीडियम रखो, मीडियम बाकी पेपरां लई हुंदा है, ये बिल्कुल गलत है। कि अजिहा जरूरी है इंग्लिश मीडियम चाहुंदा हाँ, बिल्कुल ठीक है, तुसी रख सकते हो, तुसी ठीक हो। यूनिवर्सिटी विच मीडियम भरिया जांदा है, उत्थे मीडियम इंग्लिश भर दियो बस, बाकी लैंग्वेज दा पेपर तो लैंग्वेज ही हुंदा है यार, जे कॉमन गल है, कोई वड्डी गल नहीं है। सर प्लीज़ डेट ही चैक कर दोस्तों, इलैक्टिव इंग्लिश तो पेपर क्लैश दा हाँ। सर मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच हिस्ट्री दे बेस ते SST पंजाबी हो गया है। सर मैं मैथ दा एडिशनल देना है यूनिवर्सिटी GNDU सेमेस्टर सिस्टम, प्लीज़ गाइड मी अबाउट द प्रोसीजर एंड इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन। GNDU दे एडिशनल पेपर दे ऑफलाइन ही जा रहे हैं, वीडियो वैसे पा दिता है, वीडियो विच एक गलती हो गई सी कि उन्होंने गलत फॉर्म बारे इन्फॉर्मेशन दे दी सी, उसनू करैक्ट करके दोबारा वीडियो पावांगा, अदरवाइज वीडियो बन चुका है अपलोड होके, फिर मैं उसनू हटाया है। हैलो सर, GNDU कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट दा? अच्छा सर, साइंस एंड इंग्लिश कॉम्बीनेशन ठीक रहेगा, साइंस एंड लाइफ साइंस बेस्ट हुंदा है। देखो ठीक रहेगा, हुण तुसी ग्रेजुएशन च की पढ़िया है ये नहीं दस्या, साइंस तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि TGT लिए एलिजिबल हो, TGT लिए ज़्यादा पोस्टा होंदिया हन, इंग्लिश दियाँ भी ये मुताबक साइंस के मुताबक ज़्यादा होंदिया हन, सो ये दोनों बैटर ने। लाइफ साइंस जे तुसी लेंदे हो तो तुहानू पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पैनी है, लाइफ साइंस के किसी विच भी बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी वगैरह च, है ना? सो ये तुसी इहदियां पोस्टां घट हुंदियां हन, कॉम्पीटिशन ज़्यादा हुंदा है, जे तुसी अपने आप नूं मनदे हो कि कंपीट इन्ना कर सकते हो, फिर उधर जाओ। सर CTET दी प्रवेशन हाँ करा देना हाँ। सर BEd दे पढ़न दा मटीरियल बता दो कुछ, हाँ मैं नाल नाल प्रोवाइड करदा हाँ। सर कैफे वाले ने मेरा फॉर्म रूरल एरिया फिल कर दिता होया सी, प्लीज़ कोई सल्यूशन दसो। हुण तां सिद्धी काउंसलिंग है, जाके जिस कॉलेज तुसी एडमिशन लेना चाहुंदे हो उत्थे जाके एडमिशन लै लो, अपना फॉर्म उत्थे दा फिल करो। सर मैथ ते इकनोमिक्स दा कॉम्बीनेशन बेस्ट है, मैथ और लैंग्वेज दा
प्लीज़ रिप्लाई कर दो, कल तक चेंज हो सकता है, कोई काली कोई गल नहीं है, जब तक एग्जामीनेशन फॉर्म नहीं फिल किए जाते थोड़ा माइनर सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। मैथ तुसी इत्थे भरिया, मैथ तुहाडा मेजर हो गया, बिल्कुल ठीक है। इकनोमिक्स दियां पोस्टां बहुत घट हुंदियां हन, दूसरा एम ए इकनोमिक्स करनी पैनी है, ये तुसी देखना है, फिर पी जी टी लिए जाके एलीजिबल होना है, जिस दियां पोस्टां नंबर पोस्ट घट हुंदी है। लैंग्वेज जे तुसी लैंदे हो, मान लो इंग्लिश लै ली है, पंजाबी लै ली है, फिर वो टी जी टी लिए तुसी एलीजिबल हो जाते हो, पर उतों तुहानू इलैक्टिव इंग्लिश 3 साल जिहड़ा है पढ़िया होना चाहिए है। सर मैं जी एन डी यू एफिलेट कॉलेज में बी एड कर रही हाँ, एम ए डिस्टेंस ओपरेशन गुरिंद करना चाहती हाँ। बी एड कर रहे हो, बी एड के नाल एम ए डिस्टेंस तो नहीं, एम ए ओपन तो कर सकते हो, जी एन डी तो करना चाहती है कि जी एन डी यू अलाउ कर दी है, नहीं जी एन डी यू नहीं करेगी, तुसी इग्नो तो कर सकते हैं, इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सो ये कर सकते हैं तुसी। दूसरा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या दूसरी करवाती है, उस बारे इनफॉर्मेशन पता करके तुहानू दस देवांगा। सर रेगुलर क्लास कदों स्टार्ट हो रही हैं? लगभग अगले हफ्ते दे शुरू विच हो जाएगियां, 20 तक मैक्सीम हो जाएगियां, इन्हां ने रिप्लाई पाया है, वह भी दे सकते हैं, बट अज तो कॉलेज बुलाया ही नहीं, 2 डेज़ मुक्तसर, ओके सर पी एस 2 का सिलेबस फॉर मैथ एंड इकनोमिक्स से एक वीडियो बना दो, बना दें हाँ सर। बी एड के सैम 1 सैम 2 विच किन्ने पेपर होंगे हैं? राजे तो वीडियो टोटल पा दिती है, तुसी देख सकते हो सर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का सिलेबस पर वीडियो डाल दो, डाल दें सर। जी एन डी यू दे मैनू ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सेंड कर दो, मेरे को ना पेपर है हजे इकट्ठे करने हैं, उसकी दी PDF बनानी है, मैं कर दाँगा, थोड़ा जहा रुक जाओ, वो टाइम सिर मिल जाएगा तुहानू। काउंसलिंग होगी बट सीट अलाउ नहीं हुई है, शो तुसी हुण थर्ड काउंसलिंग की गल कर रहे हो, कि कर रहे हो, ये क्लीयर नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं। सर आप पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का सिलेबस तो नहीं बताते, SST हिंदी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हिंदी सब्जेक्ट का? हाँ मैं बताऊंगा राजे, मैं बताता हूँ सारा, वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे ना, मैनू पिछले पेपर नहीं से मिल रहे, कन्फ्यूजिंग है, मिल गए ने, उन्होंने PDF बनानी है, तो बस एक दिन से मिल जाएंगे तुहानू। सर प्लीज़ बताइए MA BEd में मेजर मैथ इकनोमिक्स रखी है, ठीक है मैथ ठीक है, माइनर इकनोमिक्स है इलैक्टिव सब्जेक्ट के पेपर ते, देखो इलैक्टिव इकनोमिक्स रखते हो तो तुहानू MA इकनोमिक्स करन तो बाद PGT लिए एलीजिबल हो गए, उहदियां जिहड़ियां जॉब्स ने नंबर ऑफ पोस्ट घट होंदियां ने रिलेटिव डाउन, ये गल है, दैट इज़ वाई लैंग्एज, पर उहदे लई इलैक्टिव तुहानू लैंगुएज का एडिशनल देना पैंदा है, इसलिए दोनों चो चूज़ करना है। सर कॉलेज शिफ्ट कब, अब तो सीधी हो जाएगी ना थर्ड में, जहां आप बेशक 2 कॉलेज में अप्लाई कर दो, जहां मिल गई है दूसरे से रिफंड करवा लो। सर सर अलाउ तो होएगा पर विच शो नहीं, मैनू गल नहीं समझ आई थोड़ी। नैक्सट है जी एन डी यू कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट का प्रोसीजर दस दो, ठीक है। सर साइंस एंड इंग्लिश कॉम्बीनेशन ठीक रहेगा या साइंस अते लाइफ साइंस हो चुकी है CTET की प्रिपरेशन? चलो ये गल्ला हो चुकी है मेरे ख्याल काफ़ी ने, थैंक यू।